बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और मुझे मिस कर रहे होंगे। मौसम बड़ा नाइस है, आज है गर्मी पर हल्की हल्की अब हवा चलनी शुरू हुई है। 30 डिग्री पे पहुंचा हुआ था। अब सचमुच में 30 था या नहीं था, पर मेरी गाड़ी का जो है ना वो थर्मोस्टाट, उसके अंदर वो 30 दिखा रहा था कि बाहर 30 डिग्रीज है। तो नाइस है, लग तो वैसे गर्मी रही है, 30 वाली तो नहीं लग रही, मैं हमें शायद 25 वाली हो, इस तरह की फीलिंग है कि जैसे 25 डिग्री हो। यहाँ पे जब गर्मी पड़ती है ना तो ऐसे जैसे ना प्रेशर कुकर वाला साफ हो जाता कई दफ़ा। तो ये शुक्र है हवा चल रही है, मैं तभी आके थोड़ा बाहर बैठा हूँ। मैं कि थोड़ी फ्रेश एयर में भी बैठना चाहिए। डायलिसिस था आज, मेरा डायलिसिस पर गया हुआ था। तो मंडे को जब मैं गया था तो उन्होंने वही जो कैलकुलेशन करते हैं वज़न के हिसाब से, तो उन्होंने अपने हिसाब से पानी निकाला, लेकिन बड़ी तबीयत मेरी ख़राब हुई, काफ़ी तबीयत, कुछ पिछले डायलिसिस से मेरी ख़राब रह रही है तबीयत। तो मंडे को तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हालांकि जितना रिमूव करना चाहिए था उससे कम उन्होंने रिमूव किया, क्योंकि वज़न ज़्यादा शो हो रहा था। तो फिर आज जब मैं गया हूँ तो मैंने कहा जी मुझे तो ऑलरेडी ऐसे फील हो रहा है कि मैं जैसे डिहाइड्रेटेड हूँ, कि जिसम का पानी जैसे ख़त्म हुआ ऐसे फील हो रहा है। तो वो कहते जी के बन रहे हैं कि जो है ना 3.5 लीटर निकलना चाहिए आपका पानी। मैं कह नहीं, 3.5 लीटर नहीं निकालना, आप जो है ना सिर्फ 2.5 लीटर पानी जो है ना वो निकालें, तो उससे ज़्यादा नहीं निकालना क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। क्योंकि गर्मियों का भी मौसम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ऐसे ड्राई फील होने लग जाता है, आपके काफ़ी प्रॉब्लम होती है। पेट मेरा इतना सख्त हो गया हुआ था, पेट में इतनी दर्द बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो कल रात को तो बड़ा बुरा असर रहा है मेरा। तो फिर मैंने उनको कहा नहीं भैया जो है ना अभी आप कम निकाल लें। तो कम पानी निकालने से थोड़ी बेहतर फील हुई है तबीयत, आके तो हमें आराम वराम किया, नाश्ता लाइबा को बोल रहा था उसने बना दिया था मुझे। ज़्यादा हैवी खाने का दिल नहीं किया आज ना, वो अंडे शंडे खाने चाहिए पर दिल नहीं किया। तो उसको मैंने कहा बस वो जी अपनी चाय बनाओ आप, और साथ जो है मैंने वो ब्रेड खाई। तो और दिल ही नहीं किया खाने का, अब लंच का टाइम भी गुजर चुका हुआ है लेकिन दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने का ना, बहुत वो स्ट्रेंज तबीयत हो जाती है। कई दफ़ा जब आप ड्राई भी हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाओ या बहुत ज़्यादा आपके अंदर पानी जमा हो जाए ना, तो मैं अपना हिसाब बता रहा हूँ, तो खाना पीना बड़ा अपसेट हो जाता है। जो टेस्ट है ना, टेस्ट बड ज़ुबान का टेस्ट ही वो और ही तरह का हो जाता है, अजीब सही। तो बस ये हवाएं चल रही हैं, नाइस है वेदर, अभी बारिश बुरिश नहीं है। बच्चों ने भी लॉन्ड्री चलाई, कहते हैं धूप है तो बाहर रख देंगे, मैं कहा चलो सही है चला दो। तो बस ये मेरे ख्याल में चंद हफ्ते और ही हैं इस तरह के मौसम के, आगे फिर वही बारिशें बुरशें और ठंड, डिप्रेसिंग। जो मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था मेरे ख्याल में 2000 में पहली दफ़ा आया था यहाँ पर, तो तब मैंने डिसाइड किया था कि यूके कभी नहीं सेटल होना मैंने, वही है क्योंकि तब मैं अक्टूबर का महीना देख के गया था, अक्टूबर के तकरीबन एंड तक मैं रहा था। तो वही तेज़ हवाएं और बारिशें, और वो छतरी भी लेके जाओ तो वो भी वो टूट ही जाती थी तेज़ हवा में, बंदा वैसे गीला। तो मैं क्या यार ये कोई जगह रहने वाली। बहरहाल जहाँ पर अल्लाह ने आपका रोज़ी रिज़क, जहाँ की हवा लिखी हुई है ना, आपने वहाँ वो पहुँच ही जाना, अल्लाह ने पहुँचा देना आपको। आप जो मर्ज़ी सोचें, जो मर्ज़ी कहें, जो मर्ज़ी करें, आपने वहाँ पहुँच ही जाना। तो मतलब जब का मैं बीमार हुआ तो वही मैं सोचता हूँ कि, बल्कि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी यही कहते हैं और घर वाले भी यही कहते हैं और मैं ख़ुद भी यही कहता हूँ कि अगर मैं तब यहाँ मूव ना हुआ होता यूके, तो अब जैसे बीमार अचानक हो गया और जैसे इलाज चल रहा है और दवाइयाँ भी फ्री, इलाज भी फ्री, तो ये कैसे होना था? अगर मैं पता नहीं किस कंट्री में होता या पाकिस्तान में ही होता तो क्या बनना था, क्या क्या करना था? तो वो सोच के मैं कहता हूँ यार शुक्र है अल्लाह का मैं कि सही टाइम पे इधर आ गया हुआ था और फैमिली को भी बुला लिया, शुक्र है अल्लाह का। बाकी चीज़ें जो है महंगाई वगैरह वो तो मैं हमें हर जगह पूरी दुनिया में ही हुई हुई है, कुछ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा हुई हुई है। ग्रोसरी शॉपिंग करने जाओ ना तो वो मतलब एक दो हफ्ते बाद जाओ तो वो बंदा कहता है यार कि बढ़ गया, उस दिन तो इतनी सी
हर चीज़ ऐसे इंक्रीज हो रही है, बेसिक चीज़ें काफ़ी बिकम वेरी एक्सपेंसिव। तो अल्लाह खैर करे, वैसे अल्लाह खैर करे, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे अल्लाह माफ़ करे हालात खराब, मैं वैसे कह रहा हूँ कि महंगाई हो गई है और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि रेंट पूरे करने और फूड बिल्स पूरे करने, इस डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन। तो इस दौर में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया की तरफ आए हैं, वहाँ से बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस भी चले हैं। तो अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप उसको सही यूज़ करें, स्क्रॉल स्क्रॉल ना करते रहो टिकटॉक नू या शॉर्ट्स नू, ठीक है। तो खैर तुसी स्क्रॉल नहीं करोगे तो फिर व्यूज़ किस तरह आएंगे लोगों के, व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर मोनोटाइज किस तरह करेंगे, हैं जी। वो कहने ना ताली दोनों हाथों से बजती है। और ये ना टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि उसको अपने सही इस्तेमाल में ले आओ तो आपके फ़ायदा फ़ायदा है, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करो तो फिर टाइम बर्बादी है ना। अच्छा तो मैं ख्या 2 हफ्ते पहले मैंने लगाया था कम्युनिटी के ऊपर ना वो फूड चार्ट वगैरह, उम्मीद करता हूँ कि उसकी हेल्प हुई होगी लोगों को। तो तस्वीरें खुल जाती हैं, एक कमेंट आया था कि तस्वीरें खुलती नहीं हैं, तो वो उसके ऊपर टैप करें पहली तस्वीर पर ही तो वो खुल जाती है, बड़ी हो जाती है, जूम करना है जूम कर लें और नेक्स्ट करें, 1 of 3 हैं, उसको स्वाइप करते जाएँ तो अगली अगली खुल जाती हैं, तीनों चार्ट जो है ना वो खुल जाते हैं, मैं चेक किया अभी थोड़ी देर पहले। तो मेरा अगर इधर मैं मकसद होता है कि मैं अपने बारे में बता दूँ जो मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं कि डायलिसिस के हवाले से या डाइट या वो, तो वो सारा वो इसलिए मैं बता देता हूँ, चलो यार किसी को फ़ायदा अगर हो जाए तो ठीक है, कोई फ़ायदा उठा सकता है इससे तो अच्छी बात है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कंट्री में हर जगह पे हर किसी के पास हर कम्युनिटी में हर तबके में कि उनके पास ये चीज़ अवेलेबल हो, ये फैसिलिटी अवेलेबल हो या कोई गाइडेंस अवेलेबल हो, तो थोड़ी बहुत थोड़ी सी भी किसी की हेल्प हो जाती तो अच्छी बात है, क्या कहते हैं, सदका जारी हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी ये थोड़ा सा मैं ये जहाज़ आ रहा है बिल्कुल, हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि अब थोड़ा सा ना मतलब तंग पड़ने लग जाता हूँ मैं, अब डायलिसिस हो जाता हूँ, मुझे तो यार क्या क्यों यार, लेकिन वो एक ज़रूरी चीज़ है, वहाँ पे बेड पे लेटे रहना 4 घंटे काफ़ी मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है मुझे, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे डायलिसिस होते गए मेरे, तो बीच में कुछ शुरू में तो काफ़ी बुरा असर होता था, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता था, काफ़ी बुरा बुरा हाल होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड टू होने लग गया, तो बीच में कुछ ऐसे रहा के अरसा कुछ टाइम ऐसा रहा के ठीक रहता था, मेरे को मुझे फ़र्क मैं नहीं पड़ता था इतना, मैं मतलब बॉडी को इतना को शौक नहीं पहुंचता था कि डायलिसिस करवा के आया हूँ मैं, लेकिन अब जो है ना काफ़ी बॉडी रह गई हुई है, बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ मैं, काफ़ी फटीग हो जाती है, और इसलिए इतने दिन मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, दिल ही नहीं चाहता कुछ भी करने को, दिल नहीं चाहता, लेकिन आई हैव टू कीप ऑन गोइंग, करते रहना ना, हिम्मत तो नहीं हारनी ना, क्योंकि वो डायलिसिस एक प्रोसेस है, जो मशीन है उसकी, वो मुझे ज़िंदा रख रही है, ठीक है। खैर ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है, लेकिन चलो साइंटिफिक हवाले से अगर बात करो तो वो मेरे फ़िल्टर कर रही है, क्योंकि मेरे गुर्दे फेल है तो फ़िल्टर तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, कोई भी चीज़ जो है वो फ़िल्टर नहीं हो रही, पौड़ियाँ ही फेल हो गई हैं मेरी, पौड़ियाँ हैं दो ही पौड़ियाँ फेल हैं, तो इवन के पानी भी सेपरेट जो है ना वो अब नहीं हो रहा, क्योंकि यूरिन ऑलमोस्ट जो है ना मेरा स्टॉप हो गया हुआ है ऑलमोस्ट, तो वो फिर पानी जो है वो मेरे ब्लड सेल्स में रह जाता है, वो इसलिए कहते हैं रिमूव करने के लिए, लेकिन जब वो जितना रिमूव करना चाहिए उनकी नॉलेज के मुताबिक वो नहीं, मैं मेरी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर रही, अब बॉडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। अब ये जो शक्ल नज़र आ रही है मुस्कुराती हुई हसमुख सी, अब इसका क्या करें, अब हैं ही इतने हैंडसम माशाल्लाह, हैं जी, चेहरे पे असरात नज़र नहीं आते हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भी तुसी भी हसो, खुश होवो, खुश रहो, हिम्मत ना हारना, ठीक है, हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए, ठीक है, और अपने लिए बहुत ज़्यादा दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि तहज्जुद पढ़ सकते हैं तो तहज्जुद में ज़रूर अपने लिए बहुत ज़्यादा दुआ मांगें, ठीक है, हिम्मत देने वाली अल्लाह की ज़ात है, इंसान जो है ना वो तो बस अहम से है, इंसान का जिस्म क्या है, कुछ भी नहीं है यार, मिनटों में सेकंडों में ख़त्म हो जाता है, और सख्त जान आने पे आए तो बहुत ज़्यादा सख्त जान भी है, हैं बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं
वो किसान हैं जो खेतों में कितनी मेहनत करते हैं, इतनी इतनी उनकी एज हो गई हुई है। तो विल पावर के ऊपर जो है ना, इंसान का जिस्म बड़ी दूर तक जा सकता है अगर अल्लाह का हुक्म हो तो। तो हिम्मत ना आ रहे हैं, हिम्मत रखें। ठीक है जी, मैं आप सबको यही कहूँगा, इतने दिन गायब था उसके लिए माजरत, पर अगर उन दिनों में मेरे को वीडियो बनाता कोई अच्छी वीडियो नहीं थी बननी। सही है, ठीक है, ओके जी, टेक केयर, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।